नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का द्वीप विकास और प्रशासन के इस संक में इस कार्यक्रम के तहत आज हम चर्चा करेंगे राजस्व विभाग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है राजस्व विभाग के सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत आई सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि तीनों जिलों में राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य क्या क्या है जिले में राजस्व विभाग के जो प्रमुख कार्य होते हैं उसमें सबसे बड़ा कार्य है राजस्व से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका निपटारा करना जैसे डिमार्केशन करना नामांकन करना म्यूटेशन सब डिविजन और सर्टिफिकेट्स बनाना और जमीन से रिलेटेड जितने भी आ, मुद्दे हैं उनका उनको सुलझाने का कार्य राजस्व विभाग के अधिकारी करते हैं जी सर। दूसरा मुख्य कार्य होता है आपदा और राहत का जब कोई फ्लड आ जाता है या कोई पेड़ गिर जाता है या कोई साइक्लोन आता है तो राजस्व विभाग उसमें मुख्य भूमिका निभाता है और डिप्टी कमिश्नर जो होता है वहाँ पर उसी की देखरेख में आपदा राहत कार्य किया जाता है तीसरा कार्य होता है कि जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना वो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी अहम भूमिका होती है और वो वहाँ पर एसपी के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है उसके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जिले में सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है और डे बाय डे बेसिस पर जो भी समस्याएं आती है चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो उद्योग से संबंधित हो कृषि से संबंधित हो उन सभी मुद्दों को वहाँ निपटवारा करता है और उसमें कई विभागों में इस तरह की कमिटियाँ बनी हुई हैं जिसके लिए जिसमें डिप्टी कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है जी सर तो इस तरह से एक जो व्यवस्था प्रशासन में बनी हुई है इस तरह रेवेन्यू विभाग राजस्व विभाग एक मुख्य भूमिका जिले के कार्यो को निपटाने में करता है जी सर सर जैसे कि लोगों की सहूलियत के लिए आजकल सारी सेवाएं जो है डिजिटल मोड में हो रही है तो हम जानना चाहेंगे कि आपके विभाग में और कौन कौन सी सेवाएं हैं जो वर्तमान में डिजिटल मोड में उपलब्ध है हमारे यहाँ पे राजस्व विभाग में अभी जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं वो सभी सेवाएं ऑनलाइन मोड में बनाई जाती हैं थर्टी एट सर्विसेज जो हैं वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मेरिज सर्टिफिकेट नो ड्यूज़ इनकम्रेंस कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट इस तरह के कई सर्विसेज हैं जैसे बार लाइसेंसेस ऐसे करीब थर्टी एट सर्विसेज हैं जो हम उनको ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसके अलावा अभी कुछ समय पहले म्यूटेशन का कार्य है वो भी ऑनलाइन वी के द्वारा किया जाने लगा है तो राजस्व विभाग की ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं जिनमें सिटीजन को डे बाई डे बेसिस पर सर्टिफिकेट वगैरह बनाने पड़ते हैं वो सभी हमारे ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है सर हमारे द्वीप समूह में जमीन तो बहुत है लेकिन ऐसे में हम राजस्व भूमि और वन भूमि में अंतर कैसे करें देखिए जो भी जमीन होती है उसका एक पट्टा बनाया जाता है एक लैंड रिकॉर्ड होता है जिसको खसरा खर्द कहा जाता है तो जब भी आपको किसी ज़मीन के बारे में जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले आप लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसका नक्श खसरा नंबर देखें और उसके बारे में देखें कि वो ज़मीन रेवेन्यू विभाग की है कि फॉरेस्ट विभाग की है yes, इसके अलावा जो फॉरेस्ट की जो मुख्य गांव वगैरह हैं या डीम्ड फॉरेस्ट हैं उनकी लिस्ट भी एक बनी हुई है अच्छा तो अगर किसी को ऐसी जानकारी लेनी है तो वो जानकारी डीसी ऑफिस में अवेलेबल होती है mm -hmm. उसके अलावा आप ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी चीज़ों को देख सकते हैं तो उससे आप ये देख लें कि कौन सी जमीन रेवेन्यू है या कौन सी फॉरेस्ट है और उसमें अगर और जानकारी भी चाहिए तो उस फर्द में जो है सभी तरह की चीज़ें लिखी होती है कि इसका एरिया कितना है ये कमर्शियल है नहीं है या इसका मालिक कौन है वो सब चीज़ें उस, उस डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है तो वो जो मूलभूत डॉक्यूमेंट है उसी से हमको सारी जानकारी मिल सकती है जी यदि कोई व्यक्ति द्वीप समूह में अपना जमीन लेना चाहता है तो खरीदारी से पहले उन्हें किन किन बातों का पता होना चाहिए देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ज़मीन खरीदनी है तो सबसे पहले तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें सर। कि वो उसमें वो किसके नाम लिखी हुई है वो जमीन फॉरेस्ट की है कि रेवेन्यू की है उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है किसी तरह का कोई और एनकम्बरेंस वो फ्री है कि नहीं है तो ये सब चीज़ें उसे देखनी चाहिए जहाँ वो जमीन क्लेम की जा रही है उसे वो अगर एक बार जाके देख सके तो वो भी उसके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है जी सर सर हमारे यहाँ जो है हर साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो है राजस्व विभाग की क्या भूमिका होती है और वो किस तरह के आम जनता को राहत और सुविधाएं प्रदान करते हैं जो आपदा राहत के कार्य होते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किए जाते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है जिले में मुख्य रूप में उसके उसकी, उसकी चेयरमैनशिप में ही वो सारा कार्य होता है और वो डिप्टी कमिश्नर जो है ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर टू प्रोवाइड टू डू द ऑल द रिलीफ वर्क एंड प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल उसके लिए हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बना होता है डिजास्टर प्लान जी. और जब भी कोई वार्निंग आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है मीटिंग करता है सभी विभागों से उसकी तैयारी की रूपरेखा लेता है कि और शेल्टर होम्स जो बनाए हुए होते हैं जो विभिन्न तरह के सरकारी स्कूल्स जिनको सेंटर हॉल डिक्लेयर किया होता है उनका मुआयना करता है कि वो तैयार है नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं है लाइट है कि नहीं है अगर कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और अगर उनको लोगों को वहाँ रखना पड़ा तो हम उनको लोग उनको फूड और वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे उनको ब्लैंकेट्स वगैरह देना होता है जी। बोट वगैरह का अरेंजमेंट करना है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और अगर मान लीजिए उस प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई पेड़ गिर गया है कहीं कोई किसी घर को डैमेज हो गया है तो वहाँ से लोगों को कैसे एवोकेट किया जा सकता है कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है उसके पश्चात जो नुकसान हुआ है उसका रिलीफ मटेरियल उनको कैसे दे सकते हैं कितना अमाउंट उनको रिलीफ के लिए दिया जा सकता है तो ये सारा आकलन करना रिपोर्ट बनाना मौके पर इसको एग्जीक्यूट करना ये डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में ही किया जा सकता है और वो इसका इसमें मुख्य अध्यक्ष के रूप में इसकी भूमिका निभाता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है जी सर सर द्वीपों की सुदूरता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को निवासियों के करीब लाने के लिए क्या किया जा रहा है देखिए इसमें दो तीन बातें एक तो सारी सर्विसेज ऑनलाइन है अवेलेबल है तीसरा प्रतिदिन सभी सरकारी कर्मचारी जो एस डी एम रैंक तक के या तिहला रैंक थे वो तीन से चार बजे तक लोगों से मिलते हैं उसके अलावा लोगों के एरिए में जा कर के हम लोग कैंप लगाते हैं रेवेन्यू कैंप्स ताकि उनकी जो समस्याएँ हैं उनके जो मुख्य रूप से नामांकन से रिलेटेड या नाम बदलने से रिलेटेड या छोटी छोटी जो उनके कैसेज हैं उनका वहीं बैठ के निस्तारण किया जा सके जी। और सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको पोर्टल के द्वारा मोनिटर किया जाता है कि कितने सर्टिफिकेट अप्लाई हुए कितने दिन में अप्रूव हुए इस समय वो सर्टिफिकेट किसके पास है क्यों पेंडिंग है तो इनका बारीकी से मुआयना किया जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि सेवाओं को समय से दिया जा सके बेहतर तरीके से दिया जा सके जी। सर क्या आपके पास नागरिक चार्टर है हाँ नागरिक चार्टर है और उसमें सभी ऑफिसर्स में हमने इसको लगाया हुआ है फ्लेक्स बैनर पे बोर्ड पे लगा हुआ है और उसमें किस सर्विस को कितने दिन में दिया जाना है उसमें उसके सामने लिखा हुआ है और उसमें कुछ सर्विसेज सात दिन में दी जाती हैं कुछ चौदह दिन में कुछ इक्कीस दिन में तो अलग अलग सर्विस की जो जिस प्रकार की सेवा लेनी है उसके अनुसार उसका समय अलग अलग तय है और हम लोग उसकी पालना उसके अनुसार ही कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हमारा ऑनलाइन पोर्टल काम करता है जी मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि राजस्व विभाग में जो है कई सारे कर्मचारी कार्य करते हैं तो विभिन्न श्रेणियों के जो कर्मचारी हैं उनकी शक्तियाँ और जिम्मेदारियों के बारे में हम आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे देखिए राजस्व विभाग में रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है उसके नीचे जिला अधिकारी होता है जी फिर उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर कम एस होता है फिर तहसीलदार होता है फिर आर होता है फिर पटवारी होता है फिर हमारा फील्ड स्टाफ होता है तो एक पूरी श्रेणी है जिसके बे जो इस तरह से कार्य करती है और जैसे सेक्रेटरी के लेवल पर हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं जब भी कोई ग्रीवान्श किसी का आता है तो हम ये देखते हैं कि उस वो ग्रीवांश क्यों नहीं एड्रेस हुआ कहाँ कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले का मुखिया होता है और वह उसी के अंदर सारे विभाग सारे कर्मचारी वहाँ काम करते हैं सब डिवीजन स्तर पर असिस्टेंट कमिश्नर होता है और तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है पटवारी उसके पश्चात हर तहसील में दो या तीन पटवारी होते हैं जो फील्ड पर रहते हैं और वो फील्ड पे जाके ज़मीन का मुआयना करना नापना उनके फ़र्द को बनाना उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करना उनके जो नामांतरण से रिलेटेड कार्य हैं उनके फाइल को चलाना ये सारे काम वो करते हैं और इसी सुपरवाइजरी रोल में ये कद बढ़ता रहता है तो अगर मान लीजिए किसी पटवारी का कोई कार्य है वो नहीं हो पा रहा है तो तहसीलदार से मिल सकते हैं तहसीलदार से नहीं हो पाया तो असिस्टेंट कमिश्नर से मिल सकते हैं ए से नहीं हो पाया तो डी से मिल सकते हैं तो एक पूरी श्रृंखला है जिसके तहत इस काम को किया जा सकता है और हर आदमी इसमें अकाउंटेबल है हर आदमी की एक किसी न किसी के प्रति जिम्मेदारी है सर राजस्व विभाग जो है वो किस प्रकार के लाइसेंस जारी करते हैं लाइसेंस में राजस्व विभाग भी जारी करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जारी करता है तो उसमें एक्साइज का लाइसेंस हो गया और आपका आर्म लाइसेंस हो गए एक्सप्लोज के लाइसेंसेज हो गए गैस स्टेशन बनाने के लाइसेंसेज हो गए तो इस तरह के लाइसेंसेज हम लोग देते हैं और उसके अलावा भी कई छोटे छोटे लाइसेंस होते हैं जैसे नया बोट रजिस्ट्रेशन हुआ न्यू बोट रजिस्ट्रेशन जी हम उसका लाइसेंस भी बनाते हैं प्रेशर मशीन है उसका जो दिया जाता है वो वहाँ से दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से कोरी रिलेटेड परमिशन जो दी जाती है वो डी के यहाँ से दी जाती है तो ये मुख्य कार्य है जो रेवेन्यू विभाग करता है जी सर सर क्या आपके पास आपके विभाग द्वारा सभी सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर है हाँ वन जीरो सेवन जीरो नंबर सभी जिलों में एक ही नंबर है वो हमारा टोल फ्री नंबर होता है आप कभी भी उसमें कभी फोन कर सकते हैं आपदा राहत के समय भी आप उस फोन पर फोन कर सकते हैं और आपका कॉल अटेंड किया जाता है ट्वेंटी और आपकी समस्या का समाधान किया जाता जाए ये भी कहा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं वो अपना अपना मोबाइल नंबर सभी जनप्रतिनिधियों को या सभी लोगों को प्रोवाइड करवाएं तो अगर किसी व्यक्ति का टोल फ्री से काम नहीं हो रहा है तो आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको सीधा संपर्क कर सकता है और आपकी समस्या का समाधान किया जाए जी हम कोई भी प्रश्न जो है उनसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह की अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर की वैधानिक कार्यों के बारे में इस बारे में बताइएगा रेवेन्यू रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं नामांकन को लेकर के वेल्युशन को लेकर के या जो नेम करेक्शन उसको लेके सब डिवीजन को लेके ये सारे कार्य रेवेन्यू का जो डिप्टी कमिश्नर होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन को लेकर इसके लिए डिप्टी कमिश्नर कॉम्पिटेंट होता है सर। और वो उसका मुख्य कार्य होता है उसके अलावा उसका दूसरा मुख्य कार्य होता है आपदा राहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो आपदा राहत कार्यों को करता है और अगर कोई कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसका आकलन करता है और उसके बेसिस पे वो रिलीफ रिकमेंड करता है तीसरा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चौथा काम उसका होता है कि जो विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं लाइसेंसेज बन रहे हैं इनको देना और पाँचवा काम होता है वो सभी विभागों के साथ समन्वय का, का काम करें और डे बाई डे बेसिस पर जो भी समस्या आती है वो उनको उनका निपटारा अपने स्तर पर करे जैसे स्वास्थ्य विभाग में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है नेशनल हेल्थ मिशन की उसका चेयरमैन होता है इसी तरह वो इन्वायरमेंट की कुछ कमेटी का चेयरमैन होता है तो सभी विभागों में एग्रीकल्चर के अंदर है उसमें भी वो ही इज ऑल्सो द चेयरमैन फिशरी डिपार्टमेंट की जो कमेटी होती है इसमें उसका भी ही इज द चेयरमैन तो सभी विभागों के अलग अलग के तहत तो उनको बनाया चेयरमैन बनाया हुआ है तो विभागों के तहत और अपने विभाग के मूल कार्यों के तहत वो संपूर्ण रूप से उसके पास उसकी शक्तियाँ होती है और उनका वैधानिक रूप से वो वो निपटारा करता करे। जी सर सर अब हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपके विभाग में कितनी रिक्तियाँ हैं और भरी जाने के लिए क्या किया जा रहा हमारे है हमारे यहाँ पे जितनी भी रिक्त पद हैं उन सब के अगेंस्ट हमने वैकेंसी नोटिस निकाल दिए हैं रिक्रूटमेंट हमारा हो गया है उसमें से हमने अभी जो रोजगार मेला कर जो हुआ था हाल ही में उसमें हमने पटवारी जो लोग सेलेक्ट हुए थे उन सबको हमने ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया है उसके अलावा एम टी एस आर एफ ए और ड्राइवर इनकी पोस्ट का रिक्रूटमेंट हम करवा चुके हैं और आने वाले दो तीन महीनों में जो रोजगार मेला हमारा होना है उस रोजगार मेले के अंदर हम उनको नियुक्ति और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे इसमें मैं आपको बता दूं कि आठ पटवारी की पोस्ट है उनतीस आर एफ ए की पोस्ट है फोर्टीन एम टी एस हैं और चार स्टाफ कार ड्राइवर्स हैं तो हमने जो भी हमारे रिक्त पद थे उन सब के अगेंस्ट हमने परीक्षा करवा दी है और अब कुछ ही समय में उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे प्रमोशन से जो वैकेंसीज हैं उनकी भी हम डीपीसी कर रहे हैं प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रमुख होने के नाते हम राजस्व सचिव की भूमिकाओं के बारे में जानना चाहेंगे सर मेरा कार्य राजस्व विभाग का जो सचिव उसका कार्य है जो भी कोर्ट के केसेज रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स में डिप्टी कमिश्नर के रैंक पर होते हैं एक तो उनके लिए मैं अपीलेंट अथॉरिटी हूँ अगर किसी को लगता है कि वहाँ ऑर्डर ठीक नहीं हुआ है तो वो मेरे यहाँ पे अपील कर सकते हैं जिनको मैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो यहाँ के कानून के तहत मैं सुनता हूँ और रेवेन्यू सेक्रेटरी सुनता है और एक अप्रोप्रेट ऑर्डर पास करता है उसके अलावा तीनों डिप्टी कमिश्नर्स के साथ में जो सर्टिफिकेट रिलेटेड या डेली लाइसेंसिंग रिलेटेड जितना भी कार्य है उसका मॉनिटरिंग कार्य होता है उसका सुपरविजन करता है रिव्यू मीटिंग करता है उनको कॉर्डिनेशन करता है तीसरा जब आपदा राहत का कार्य होता है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी उसमें तीनों डिप्टी कमिश्नर्स के साथ में मिलकर उसका डे बाई डे पेज मॉनिटरिंग और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी का मुख्य कार्य जो है वो मॉनिटरी कार्य है और कुछ इनहेरेंट पावर है जिसमें उनको अपीलेंट अथॉरिटी है जहाँ वो ऑर्डर्स पास करता है तो ये एक मिला जुला है जी सर अगर हम अदालती मामलों के बारे में बात करें तो अदालती मामले और मामलों के निपटान के लिए राजस्व विभाग की क्या भूमिका होती है और कैसे समय पर निपटा लिया जाता है नहीं रेवेन्यू कोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ उसमें रेगुलर रेवेन्यू केसेस जो हैं उनकी हियरिंग डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर होती है और एस के लेवल पर होती है उसमें कुछ समय लगता है बट रेगुलर जो भी इस हफ्ते में दो या तीन बार वो हिंग कर पाते हैं उसके बेसिस है। नहीं है कि उनको तो यहाँ पे अपील कर सकते हैं क्या ये सच है कि बेहतर पारदर्शिता और त्वरित निपटान के लिए आपके विभाग में जो है सारी सेवाएं जो है वो डिजिटल मोड में होने जा रही हैं नहीं हमारे यहाँ तो लगभग सारी सेवाएं ऑलरेडी ऑनलाइन है थर्टी एट सर्विसेज जो हैं वो हम ऑनलाइन देते हैं और तीन सर्विसेज हम एन पोर्टल से देते हैं और रेवेन्यू कोर्ट जो में क्या होता है कि व्यक्ति की फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि वो एक वो एक क्वासी जुडिशल प्रोसीजर है हालांकि उसमें भी हमने कई जगहों पर क्योंकि जहाँ है दूरगामी इलाके हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो हियरिंग करना शुरू किया है जिसमें कंसर्न जो एप्लीकेंट अप्र, अप्र, होता है वो वहाँ के रेवेन्यू स्टाफ के साथ वीसी ज्वाइन करता है और वहाँ का रेवेन्यू स्टाफ उन सबको रिकॉर्डिंग को प्रोसीडिंग को, को ड्रॉ करता है और उसको बाद में कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को भिजवाता है तो वो प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं तो रेवेन्यू विभाग तो जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती है लगभग सभी सर्विसेज ऑनलाइन मोड में है हमारे पास जी सर सर भविष्य में आपकी क्या योजना है इस बारे में बताइएगा नहीं हमारी यही योजना है कि जो भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है या जो सर्विसेज हैं उनको हम इफेक्टिव मैनर में लगा सकें डिप्टी कमिश्नर्स का जो ऑफिस है वो थोड़ा प्रॉम्प्ट हो और और रेस्पॉन्सिव हमें बनाए मोर ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवान्शे हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर उनको एड्रेस किया जाए चाहे वो किसी भी विभाग की हो क्योंकि डिप्टी कमिश्नर एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ से किसी भी सिटीज़न के लिए क्योंकि वो उसी के नियर बाई एरिया में होता है तो पहुँचना आसान होता है तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम ज़्यादातर समस्याओं का समाधान जिले के स्तर पर ही और त्वरित गति से करवाएं और यही हमारा ध्येय है कि हम आने वाले समय में कोशिश करके अधिक से अधिक मात्रा में जितना बेहतरीन और जितना कम समय में हो सकता है हम उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे सर अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे मैं अंत में आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार प्रशासन जो है वो पूरी तरह से त्वरित रूप से आप सभी के लिए काम करने को तत्पर है और रेवेन्यू विभाग भी उसमें से एक है और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपके सुझाव हैं हम उनको सही तरीके से देखेंगे और जल्दी से जल्दी हम उन सर्विसेज को उन सेवाओं को आप तक तो पहुंचाने का पूरा प्रिया प्रयास करेंगे अगर किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई समस्या है या उसे लग रहा है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो वो डिप्टी कमिश्नर से तत्काल संपर्क कर सकता है और अगर फिर भी उसे लग पा रहा है तो वो हमें भी तत्काल सीधा संपर्क कर सकता है हम प्रतिदिन तीन से चार के बीच में पब्लिक हियरिंग में अवेलेबल होते हैं उसके अलावा भी प्रातःकाल जब हम ऑफिस से ऑफिस आवर्स है उसमें वो कभी भी आ सकते हैं तो किसी भी तरह की कोई समस्या तो आप हमें संपर्क करें और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी जो कानूनी रूप है उसमें उसको जल्दी जल्दी हम उसका समाधान निकाल सकें जी सर सत्येंद्र जी आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को विषय से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कार्यक्रम में आने के लिए हम अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे तो दर्शकों आज हमने जाना राजस्व विभाग से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो अगले अंक में द्वीप विकास और प्रशासन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार